एवरी गांव जाके वो भीख मांगते हैं कि भीख खाने की व्यवस्था निःशुल्क रहती है। ये मंदिर भी काफी साल गुड मॉर्निंग, नमस्ते भारत, और एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। और सो के उठ गए हैं, सो गई थी, इसी बेड पे हम सोए थे, सामने हमारा रूम पे सामान रखा है, वो भी बेड है, सो के उठ गए। और बाहर का नजारा दिखाता हूँ, सामने का नजारा दिख रहा है खिड़की से, सामने पहाड़ है, नीचे लोग काम कर, और हम जाएंगे इस तरफ, देख रहे हैं वो साइड। तो फिलहाल हम जल्दी फटाफट नहा लेते हैं, आपको उधर पहाड़ों पहले चलेंगे। भाई सो के नहा धो के रेडी तो हो गए यार, ऐसी ठंडा पानी था यार, मैं क्या बताऊं। बसंती को रेडी कर दिया और हम नंगे पैर जा रहे हैं। नंगे पैर इसलिए जा रहे हैं, जिस मंदिर में हम जा रहे हैं वहां पर गुरुजन है, काफी सारे लोग दीक्षा लेते हैं तो वो अलाउ नहीं करते, तो इसलिए मुझे भी नंगे पैर जाना पड़ रहा है, साइकिल लेके उनका आशीर्वाद लूंगा। और पीछे जो बिल्डिंग देख रहे हो उसी में रात को मैं ठहरा था, और अभी देखो मेरे नंगे पैर ही साइकिल चला रहा हूँ, दिख रहा होगा। सो फिलहाल अभी हम निकल गए हैं और जहाँ पहुँच रहे हैं जल्दी से पहुँच जाए, नहीं तो गुरुजन फिर अपनी उसमें फिर आशीर्वाद भी नहीं देंगे। ये हमारे शास्त्री जी जा रहे हैं, और आप देखेंगे कि यहाँ पे ये बोर्ड है और ये मंदिर का गेट है। तो फिलहाल तो हम आ गए हैं और शास्त्री जी भी आ गए। बसंती को बाहर खड़ा किया है और अब हम आ गए मंदिर में। दर्शन कीजिए 100 साल पुराने मंदिर के सामने भोलेनाथ जी। और ये यहाँ पे दीक्षा लेने वाले लोग हैं जो कि यही पूरे कर्नाटक के मठ के साधु संत बनते हैं बाद में, और ये यहाँ पे दीक्षा ले रहे हैं और इनका घर परिवार से कोई वास्ता नहीं होता। सुबह मंदिर के दर्शन तो हो गए, मंदिर के दर्शन करने के बाद अगर आप मंदिर में दर्शन कर रहे हैं, और अगर आपके देश के भारत के, भारत में साधु संतों का देश है और महान संतों का देश है, और एक से एक संत हुए, और ऐसे ही एक संत हुए जिनके आश्रम में हम रात को ठहरे थे, जहां हमें जगह भी मिली और साथ में आज सुबह इन सभी संतों का आशीर्वाद भी मिला। तो हमारे साथ हैं सीसी हरिमन सर जी। सर छात्राणाम कृते संस्कृते अस्माकं भारतीय संस्कृति तथा परिसर रक्षणार्थम जागृति कर्तुम। अब हम अपनी बसंती को लेकर पहुंच गए एक और नई जगह पे, और ये मंदिर का प्रांगण है, और सामने ही देखिए दर्शन दे रही है ये। पहुंच गया था मंदिर की, मंदिर के दर्शन करके साधु संतों का आशीर्वाद लेने के बाद अब हम पहुंच गए माताओं के पास, गाय माता के। और इस मंदिर के अंदर ऐसी 4 गौशाला बनी हुई है, और जिसमें करीब 500 से ज्यादा गाय इस मंदिर की तरफ से पाली जाती है, और उनको रात दिन भोजन से लेकर रहने तक और पानी पीने की पानी व्यवस्था की जाती है। हमारे हिंदू धर्म में एक कहा गया है कि हर एक घर में एक गाय होना जरूरी है, गाय है तो उस घर का कभी विनाश नहीं हो सकता, सुख समृद्धि हमेशा उस घर में बनी रहती है। मंदिर को खड़ा करके अब हम पहुंचे इस मंदिर की जो सबसे अच्छी खासियत है, वो यहाँ पे कितने सारे लोगों को खाना खिलाते हैं। यहाँ पे एवरी डे काफ़ी सारी बसें आती हैं और स्टूडेंट्स आते हैं, स्कूल स्टूडेंट्स आते हैं और कॉलेजियंस आते हैं जो कि यहाँ पे खाना खाते हैं। यहाँ पे जो खाना बनता है ना वो पूरा प्योर लकड़ी पे खाना बनता है। अब देख लीजिए इसमें चावल है और इसमें सांभर है, कितना मतलब इतना इतना बड़ा बड़ा खाना बनता है फिर भी सिर्फ लकड़ी पे ही बनता है, राख देख। यहाँ पे शास्त्री जी हैं जो कि स्टोर रूम को देखभाल करते हैं, और ये चावल की बोरियां हैं और सब्जी ये पड़ी है। जी ने मुझे एक बात बताई शास्त्री जी, ये जितनी भी रोटी हैं, ये इतनी सारी रोटी हैं, इसके बारे में आप रोटी खुद बनाते हैं या कहाँ से आता है ये रोटी? ये जो रोटी देख रहे हैं जो कि ऐसे पड़ी हुई है, आप समझ रहे होंगे कि कितना बड़ा मतलब रोटी का स्टॉक है। एक्चुअली ये रोटी है ना, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो गांव-गांव जाके भिक्षा में मांग के लेके आते हैं।
एवरी गांव जाके वो भीख मांगते हैं कि भिक्षाम दे ही, इस तरह से भीख मांग के वो रोटी लाते और फिर वो यहाँ पे जो बाहर से लोग आते हैं उनको ये खाना खिलाया जाता है। तो सोचिए कितना मतलब धर्म पुण्य का काम है। फिलहाल हम इस प्रांगण से निकल रहे हैं और इस प्रांगण के अंदर कुछ इस तरह का भाव देख रहे हैं स्टूडेंट्स कितने खाना खाने आते हैं यहाँ पे। और हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। भाई अब हम निकल गए हैं मंदिर से, मंदिर को भी छोड़ दिया। तो यहाँ से अभी हम करीब करीब नहीं तो 20 किलोमीटर आगे जाना है। सो हमने भैया से पूछ लिया कि महाकोटा के लिए जाना है, तो मसरी महाकोटा तो इधर है और पटकल उधर है, तो हम पहले महाकोटा जाएंगे। रास्ते से मैं गुजर रहा हूँ, बड़ा शांत एंड क्या बोलूँ, एकदम शांत सुरीला रास्ता है। महाकोटा दो है और ये ओल्ड महाकोटा है जहां मैं ले जा रहा हूँ, जो कि ऑफ रोडिंग है। आप रोड देख रहे होंगे कितनी गंदी रोड है, सामने देखिए दृश्य तो सुपर ऑसम। हमने जो पेड़ दिख रहे हैं वो वहां से हम लोग इधर, ये है बाइक हमारी और सामने है महाकोटा। प्राचीन महाकोटा मंदिर जहाँ की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे दो महाकोटा हैं, एक और महाकोटा है पास हम जाने वाले हैं, पर लोग बताते हैं कि ये ज्यादा प्राचीन है। सो मेन मंदिर ये है और यहाँ पर भी डेवलप का काम चल रहा है और देख सकते हैं आप। तो जिस एरिया में चल रहे हैं ये एरिया का नाम है महाकोटे टेंपल के लिए जो रोड गई है। और ये पहाड़ों के बीच से होते हुए देखो सामने कितने खूबसूरत पहाड़ है। इधर से हम सीधे निकलेंगे। संक्षिप्त स्मारक है ये, आप पढ़ लीजिए। इस तरह से यहाँ पे लोग आते हैं, वो सारे स्कूली बच्चे बैठे हैं। अब मैं अपनी यात्रा में मैं पहुंच गया एक और काफी प्राचीन मंदिर, जो कि काफी 2000 साल से भी ज्यादा प्राचीन मंदिर है। हम इस गेट से ही अंदर जाएंगे। पर फिलहाल हम आपको मंदिर के अंदर ले चलते हैं और गेट है जहां पे हम जाएंगे और सामने। तो फिलहाल हम पहुंच गए हैं, सबसे पहले गणेश जी के दर्शन होते हैं और काफी सारे स्कूल्स के बच्चे और कॉलेज के बच्चे जो कि यहां पे दर्शन करने आते हैं। दादू की ये मंदिर भी काफी साल पुराना है और इसकी प्राचीन कथा जो है वो तो मैं अंदर पूछ के ही आपको बता पाऊंगा। मैंने पहले कभी ये सब नहीं देखा था और आज पहली बार मैं आप खुद देख रहा हूँ और आपको भी अपने ब्लॉग के माध्यम से दिखा रहा हूँ। ये है नवग्रह टेम्पल जो कि एक ही पत्थर पे। काफी प्राचीन और 6th सेंचुरी का ये मंदिर है, 6th सेंचुरी।
छठवीं शताब्दी का मंदिर है ये, और मैं ये परिक्रमा मार्ग में हूँ, और जहाँ पर आप पत्थर को देख के ही अंदाज लग जाएगा कि किस तरह की परिक्रमा है। बाहर निकलते हैं तो कुछ इस तरह का इसका स्ट्रक्चर है, और तो हमने यूपी में काशी विश्वनाथ टेम्पल देखा है। अगर जिन लोगों ने काशी विश्वनाथ टेम्पल देखा है, दक्षिण काशी बोला जाता है, तो वो इस जगह को बोला जाता है जो कि चालुक्य वंश द्वारा निर्मित किया गया। और इस कुंड में पानी थोड़ा हल्का गर्म भी रहता है, और लोग तो आप जिस कुंड को देख रहे हैं, और इस कुंड की एक कहानी भी है भाई की। अगर तो सर के द्वारा हमें बताया गया कि हर एक हफ्ते के अंदर इस कुंड को खाली किया जाता है, और ये कुंड में अपने आप पानी कहाँ से आता है ये आज तक किसी को नहीं पता। और ये पानी कहाँ से आता है, इसको खाली करने से लेके फिर अपने आप एक घंटे के अंदर इतना का इतना पानी हो जाता है, तो ये भी अपने आप में रहस्य है और आज तक किसी को पता नहीं है। और ये जानकारी हमें सर के द्वारा दी गई। थैंक यू सर, थैंक यू। ये है गेट, और यहाँ से अब हम निकल चुके हैं। कुछ इस तरह का मार्केट भी है यहाँ पे। सो फिलहाल अब हम बाहर निकल गए हैं। छोटा सा गांव। भाई शाम के बज गए हैं 5। इस रोड से होते हुए गुजर रहे हैं और पटक्कल पहुंचना है। पटक्कल अभी 9 किलोमीटर है यहाँ से। भाई पटक्कल तो पहुंच गए हैं, और पटक्कल में हमें 6:30 बज गए शाम के। पटक्कल आए गए थे पर वहाँ पे अभी तक जगह नहीं मिली है, और अभी हम जा रहे हैं एक और जगह पे। एक जगह से चल के अब दूसरी जगह पे पहुंचे, और यहाँ पे तो देख रहे हैं आप मेला जैसा भरा हुआ है भाई। और ये साईं मंदिर पे पहुंच के वहाँ पे रात को रुकने की जगह मिल जाएगी, पर मुझे नहीं पता था कि साईं मंदिर पे आने के बाद यहाँ तो लोग ही रोड पे सोए हुए हैं। प्रसादी को अभी यहाँ पे खड़ा किया है, और मैंने भैया से आके पूछा कि भाई यहाँ पे रूम वगैरह मिलेगा। हालांकि मैंने वो मंदिर दिखाया था तो मंदिर में भीड़ इतनी थी कि रूम, तो भैया ने बताया कि वो मठ है, और आप अगर अंदर जाके पूछेंगे तो आपको मठ में जगह मिल जाएगी। सो भैया के यहाँ पे हमें नमकीन दिख गई, इतनी सारी नमकीन। तो मैंने कहा भैया सारी मिक्स करके दे दो, तो फिलहाल तो मैं नमकीन को एंजॉय करता हूँ, आप वीडियो को एंजॉय कीजिए। सो आई होप दोस्तों कि आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट्स करके जरूर बता देना कि आज का ब्लॉग कैसा लगा। कल फिर मिलता हूँ नई जगह से नए लोगों के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्ते भारत।